रब्बू की डेथ के बाद ददियाल से भी दूर हो गए। दूरियां इतनी बढ़ गईं कि कभी सालों में कहीं मुलाकात हो जाती है। उन्हें ऐसा लगता था कि हमने अब्बू का इलाज ठीक तरह नहीं कर पाया। यहां तक कि हमारी शादी में भी चंद लोग ही आए थे, वो भी मेहमानों की तरह। खैर, अब तुम आ गई हो, अम्मी का अकेलापन भी दूर हो जाएगा और मुझे भी सहारा मिल जाएगा। अम्मी की ज्यादातर फैमिली बाहर होती है। पता है मदिया, मैं बहुत परेशान रहता था अम्मी के अकेलेपन को लेकर, लेकिन अब तुम आ गई हो ना, तो तुम्हारा अम्मी के साथ बहुत अच्छा टाइम गुजरने वाला है। उनका नेचर आम औरतों की तरह नहीं है, मतलब ये कि तुम्हें सास बहू वाली फीलिंग बिल्कुल भी नहीं आई, माँ बेटी वाली फीलिंग आई। हाँ, सभी आ जाता है उन्हें कभी, लेकिन गलत बात पर। और शी इज वेरी केयरिंग, वेरी लविंग। सबको एक साथ रखना आता है, एक साथ लेकर चलना आता है। अब क्या सब मैं ही बोलता रहूंगा कि तुम भी कुछ बोलोगी? मैं क्या बोलूं? कुछ भी, बचपन का कोई वाकया ही सुना दो। आपको पता है, जब मेरा स्कूल में एडमिशन हुआ था तो आसिम सीनियर थे वहां पे, और मैं अपनी क्लास में रोने लग जाती थी, फिर आसिम के साथ जाके बैठ जाती थी। उनकी क्लास में कोई लड़की नहीं होती थी, और मुझे कहते थे कि देखो सारे लड़के तुम्हें देख रहे हैं, और ये बात सुन के भी मुझे रोना आ जाता था, रोने लग जाती थी मैं। यानी कि तुम बचपन में भी इतनी ही मासूम। और एक दफा तो मैं अम्मी के साथ लाहौर चली गई, पहली दफा ऐसे अम्मी के साथ अकेले गई थी। और आपको पता है, आसिम का तो रो रो के बुरा हाल हो गया था, उसे तो बुखार हो गया था, और जब मुझे पता चला तो मैं भी रोने लगी, मुझे भी बुखार हो गया, फिर हम वापस कराची आ गए। आई थिंक आसिम और तुम बहुत अटैच्ड हो। आई कैन अंडरस्टैंड, बचपन साथ गुजारा है एक ही घर में, तो जितनी तुम केयरिंग हो आसिम भी उतना ही केयरिंग होगा अपनी फैमिली के लिए। खैर, कुछ ऑर्डर करें, मुझे तो बहुत भूख लग रही है। अब ये परेशानियां तो जिंदगी के साथ साथ ही चलनी है, लेकिन तुम मुझे अपना सीवी दे दो, मैं एक दो जगह पर कोशिश करता हूं। यू सो टैलेंटेड, और इतनी अपॉर्चुनिटी, आई एम श्योर यू विल गेट अ गुड जॉब। हेलो शाजिया। अच्छा सुनो, मैंने हारिस से जिक्र किया था तुम्हारी जॉब का। वो कह रहे थे ना, आपको बोलो कि अपनी सीवी ड्रॉप कर दे, वो कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द तुम्हारी जॉब हो जाए। थैंक यू शाजिया, मैं तुम्हें कल ही अपना सीवी भेज देती हूँ। ठीक है, और सुनो, बिल्कुल फिक्र मत करना, ओके? हाँ, थैंक यू, ओके, लव इज बाय। तुमने मुझे शाजिया को बताने से क्यों मना किया? असल में हमने रात को आना था तुम्हारे घर, वो बस में ऑफिस से निकला और अकेला ही आ गया कि तुम्हारा सीवी लेता जाऊं। फूफो की तबीयत कुछ ठीक नहीं है, शायद रात में हम दोनों ना निकल सके।
ये रख लो। ये क्या है? कुछ पैसे हैं, काम आ जाएंगे। नहीं आरिस, मैं नहीं ले सकती ये। कुछ ही दिनों की बात है, तुम्हारी जॉब लग जाएगी तो वापस कर देना। खर्च ना हो तो वापस कर देना, प्लीज रख लो। हारिस ये वापस रख लो, मैं नहीं लूंगी तुमसे। अच्छा, तानिया का है? तानिया सो रही है, आज स्कूल से आके सोई नहीं थी ना, इसलिए थक गई होगी। अच्छा मैं चलता हूँ, टेक केयर। मैंने तो कभी किसी से कोई सहारा नहीं लिया, कभी नहीं। मैं तुमसे क्यों क्यों इनकार नहीं कर पाई? शायद तुम्हारी मोहब्बत, तुम्हारा खलूस, तुम्हारी अदायत कुछ तो है।